ओके सो अभी जो आज हम पढ़ने वाले हो फ्रियॉन्स है. सो ऑलरेडी वी हैव लर्न इट किस तरह से फ्रियॉन्स काम करते हैं. व्हाट डू मीन बाय फ्रियॉन्स? पहले तो ये है क्या फ्रियॉन्स? तो बेसिकली हम लोग फ्रियॉन को बोल सकते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. फ्रियॉन्स को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरो फ्लोरोकार्बन्स. और इसमें होता क्या है एग्जैक्टली? तो शॉर्ट पॉइंट में याद रखना है तो हमारे पास अगर मिथाइल है तो उसके साथ फ्लोरीन और क्लोरीन अटैच होते हैं. ओके या फिर मिथाइल है तब फ्लोरीन और क्लोरीन ऐड होते हैं, या फिर इथेन के जो मिथेन और इथेन के क्लोरोफ्लोरो डेरिवेटिव्स है. डिओडोरेंट्स में और इन सब जगह पे इन्हीं का यूज होता है. इट्स लाइक अ फ्लोरो क्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ मिथेन और इथेन. इनका कोड वर्ड होता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 01 ABC. याद है ना आपको? कल मैंने सिखाया था ये आपको लास्ट लेक्चर में. ए इज द नंबर. ओके थोड़ा सा हटके लिखता हूँ. अगर सपोज आपके पास फ्रियोन है, फ्रियोन 1 2 इज अ वेरी वेरी फेमस. फ्रियोन 1 2 इज अ वेरी वेरी फेमस वन. तब इसका ये फ्रियोन 1 2 है तो आपको मतलब क्या समझना है बच्चों, वो भी तो ध्यान में रखना है. तो 01 2 हुआ. चलो जो पहला डिजिट है वो क्या दिखाता है पता है? पहला डिजिट जो होता है नंबर ऑफ कार्बन -1. नंबर ऑफ कार्बन -1. आप सोचो तो फिर कार्बन कितना होता होगा यहाँ पे? 1. यस और नो? फिर ये देखो 1, तो ये क्या होता है 1 बताओ? हाइड्रोजन +1. इसका मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं, यहाँ पे हाइड्रोजन है ही नहीं. और अगर 2 है तो यहाँ पे 2 फ्लोरीन है, तो इसका मतलब कार्बन के आसपास एक ही कार्बन है, उसके आसपास हाइड्रोजन है ही नहीं और 2 फ्लोरीन है. बाकी जो बचते हैं वहां पे आप क्या रख दोगे? बाकी जो बचते हैं वहां पे आप क्या रख दोगे बच्चों? क्लोरीन रख दोगे. अच्छा हाँ, तो ये सभी कंपाउंड्स हैं. मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं इट्स लाइक अ फ्रियोन इज अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स एंड दैट ग्रुप कंटेन्स फ्लोरिनेटेड एंड क्लोरिनेटेड मिथेन एंड इथेन मोस्टली. ओके दे कैन इजिली लिक्विफाइबल. दे कैन इजिली लिक्विफाइबल. ओके और दूसरा कि ये बनाते कैसे है? अगर आपके पास आपको अगर ये वाला बनाना है तो आप कैसे करो? आपके पास CCl4 है. CCl4 को हम लोग क्या बोलते हैं बताओ? CCl4 है तो उसको हम क्या बोलते हैं एग्जैक्टली? कार्बन टेट्रा क्लोराइड. टेट्राक्लोरोमीथेन। अब इसका जो है उसमें क्या हो जाएगा? स्वाद रिएक्शन. इसकी कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? स्वाद रिएक्शन. स्वाद रिएक्शन में बताया ना AgF2 यूज करते हैं, इसको हीट करते हैं. यस AgF2 सर। के साथ हीट करते हैं तो क्लोरीन को डिस्प्लेस करके कौन आ जाएगा? क्लोरीन को डिस्प्लेस करके कौन आ जाएगा? सॉरी, फ्लोरीन आ जाएगा. हाँ, अब बात तो यही करनी थी, लेकिन अब एक और बात बताऊं. इनका बहुत यूज बढ़ने लगा डिओडोरेंट में, रेफ्रिजरेंट में, प्रोपेलेंट की तरह. प्रोपेलेंट मतलब आप जब स्प्रे करते हो तब फॉर्म बाहर आते हैं, यस और नो? या फिर जो स्प्रे होता है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में बाहर आता है, हाँ या ना? तो यस यहाँ पे पूरा अंदर एक पोर्शन होता है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और CFC और HFC होते हैं. तो वो क्या करते हैं? वो प्रेशराइज करके इसको बाहर निकालते हैं. ये लिक्विफाइबल है. फिर जैसे आप थोड़ा स्प्रे करोगे तो ये गैस बन के प्रेशर जनरेट करते हैं. बहुत डीप में है इसका नॉलेज. रेफ्रिजरेंट में यूज होता है. आपको पता है फ्रिज, जब आप फ्रिज शिफ्ट करते हो ना तब बोलते हैं फ्रिज को ऐसा टेढ़ा बेढ़ा मत करना, उसको थोड़ी देर सेटल होने दो, ऐसा बोलते हैं. आपको पता है उसमें लिक्विड होता है, वो लिक्विड हिल जाएगा, ऐसा बोलते हैं. कभी सुना है ऐसा? फ्रिज ट्रांसफर करते हैं तब बड़े बोलते होंगे रेफ्रिजरेटर. नहीं, सर। यस कभी नहीं ऐसा हुआ क्या आपके साथ? सुना है सर। हाँ, तो उसमें फ्रियोन्स होते हैं. दूसरी बात, कंप्रेसर जब, हाँ, एयर कंडीशनर में कंप्रेसर जब सर्विस वाले को बुलाते हैं तो बोलते हैं गैस फिल करना पड़ेगा, सब पूरा गैस निकल गया है. हैव यू एवर लिसन दिस सेंटेंस? यस 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 ये तो तो सुना। वो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ही है. अब इसके चचेरे भाई लाने पड़े. अब क्लोरीन थे ना, क्लोरीन यार खतरनाक क्लोरीन है. क्यों क्यों खतरनाक सर? क्लोरीन जब ओजोन लेयर में जाते हैं तो ओजोन का डिप्लेशन करवाते थे, समझे बात?
अब बोले कि यार हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, सब बोले क्लोरीन को हटा दो, हाइड्रोजन रहने दो। तो अब जो कंपाउंड बने वो कौन से बने? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। हमने क्या किया, क्लोरीन को कम से कम रिड्यूस करने की ट्राई कर दी। नाउ वी आर यूजिंग हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स नाउडेज। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। तो ये चीज आपको बस याद रखनी है, एमसीक्यू में कहीं से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, या तो नेम के ऊपर से आ सकता है, या फिर यूजेस के ऊपर से आ सकता है, या फिर ओजोन डिप्लेशन के ऊपर से आ सकता है। ओके नेक्स्ट पॉइंट की बात करें हम लोग, तो नेक्स्ट पॉइंट कौन सा रहेगा? तो जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है डीडीटी। अरे यार डीडीटी, एक टाइम पे डीडीटी को मतलब बहुत ही यूज किया जाता था। पता है क्यों? क्योंकि सबसे पहला एक केमिकल था जिसके पास बहुत ही अच्छी सी इंसेक्टिसिडल प्रॉपर्टी थी। कौन सी प्रॉपर्टी थी बताओ, कौन सी प्रॉपर्टी थी? इंसेक्टिसिडल। यस, इंसेक्टिसिडल। ये अच्छा सा इंसेक्टिसाइड्स था जो फर्स्ट टाइम निकला था। अब बात ये होती है डीडीटी होता है इंसेक्टिसाइड्स। ओके, सबसे पहला अच्छा सा सिंथेसाइज्ड इंसेक्टिसाइड ही है, और 1939 में इसका यूटिलाइज होना शुरू हुआ था, इसका यूज होना शुरू हुआ था। मलेरिया, टाइफाइड सभी का मच्छरों का मार गिराता था ये, बहुत ही अच्छा सा था। इसको इसको बनाया था पॉल मुलर ने, अब ये तो याद नहीं रहेगा यार। और इसके लिए उसको क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। चलिए याद रहे तो रखो इसको याद, ठीक है। अब बात ये हो गई कि डीडीटी बहुत ज्यादा अच्छे से यूज करने लगे, फिर आफ्टर सम टाइम और आफ्टर सम इंटरवल ये पता चला इट्स अ वेरी टॉक्सिक टू अस एंड इसका एक्यूमुलेशन होता है, इट्स नॉन डिग्रेडेबल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? नॉन डिग्रेडेबल और कार्सिनोजेनिक। और कौन सा है बताओ, और कौन सा है? कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक मतलब पता चला आपको? जो कैंसर इंड्यूस करते हैं। यस, कार्सिनोजेनिक है जो कैंसर इंड्यूस करता था। ओके, अब हुआ क्या कि डीडीटी रैपिडली मेटाबोलाइज नहीं होता है, बहुत कम होता है मेटाबोलाइज। तो ये जब ये हम क्या करते थे, इंसेक्टिसाइड्स की तरह हम लोग जब पेड़ पौधों के लिए यूज करते थे तो तुरंत ही वाटर में मिल जाता था, वाटर से फिश में जाता था। हमने 11th में पढ़ा था शायद ये। ओके, फिर ये एक्युमुलेशन होता है और जैसे इसकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाती है तो ये सभी जो है टॉक्सिक लेवल और इंक्रीज हो जाता है बच्चों। मतलब ये पूरे के पूरे जो हमारी हमारी जो मतलब साइकिल होती है ना, पूरी साइकिल, फूड साइकिल, उसके अंदर ये आ जाता है इन शॉर्ट। चलो अगर इसका नॉमेनक्लेचर क्या है और है क्या एग्जैक्टली तो अगर मैं इसकी बात करूं तो ये जो है वो देखो क्लोरीन है, इथेन, इथेन है, इथेन उसमें सब जगह मैंने यहाँ पे क्लोरीन रख दिया, यहाँ पे ऐसा बेंजीन रख दिया क्लोरीन, और यहाँ पे भी क्या रख दिया बच्चों, क्लोरीन रख दिया। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर डीडीटी का, पूछते कितने क्लोरीन है, ठीक है इस तरह से। हाँ अब बात क्या है, इसका नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बताओ। चलो ए वन और टू है, चलो कैसे नॉमेनक्लेचर करोगे आप बताओ मुझे अच्छे से। एक कौन है वन है और एक कौन है टू है, हाय ना। चलो फटाफट से बताओ क्या नॉमेनक्लेचर होगा। देखो ए वन वन ये पैरा डाइक्लोरो है, ये क्या है बताओ, पैरा डाइक्लोरो, हाय ना। ये देखो डाई इथेन है, ये इथेन है, इथेन में ये कितने क्लोरीन है, वन टू थ्री, तो ये क्या बोलेंगे हम लोग, ट्राइक्लोरो, ट्राइक्लोरो। अब यहाँ पे पीडेश पीडेश पैरा पोजीशन पे तो पी पी डाइक्लोरोफिनाइल, पी पी डाई क्लोरो क्या आएगा बताओ, डाइक्लोरो डाइफिनाइल, तो ये दोनों आ जाएगा। तब ये दोनों को बोलते हैं पैरा पोजीशन पे डाइक्लोरो डाइथाइल, सॉरी डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब लास्ट में है कौन सी मेन चेन बताओ,
लास्ट में मेन चेन है कौन सी? इथेन है, इथेन है। तो इसको क्या करो आप कि यार पी पैरा पोजीशन पे पी पी और पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाई फिनाइल पी डैश डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो क्या आएगा? इथेन। यस, तब आपको इसका नेम याद रखना पड़ेगा। इसमें से बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछते हैं। कैसे क्वेश्चन पूछते हैं मैं आपको बता दूं। ये क्वेश्चन ऐसे आता है, जेई में एक बार ऐसा आया था कि फाइंड आउट परसेंटेज ऑफ क्लोरीन इनटू डीडीटी, डीडीटी में परसेंटेज ऑफ क्लोरीन कितने होते हैं वो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा स्ट्रक्चर लिखना पड़ेगा, पूरा मोलिकुलर वेट फाइंड आउट करना पड़ेगा, और फिर ऊपर क्लोरीन का वेट डिवाइडेड बाय टोटल मोलिकुलर वेट इनटू 100%। जैसे कार्बन का परसेंटेज, ओके सीओ टू में कार्बन का परसेंटेज कितना होता है कोई पूछे तो आप क्या करोगे बताओ? अगर कोई सीओ टू में, अगर कोई आपको सीओ टू में कार्बन का परसेंटेज पूछे तो आप क्या करोगे? वेट ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय टोटल वेट इनटू 100%। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, क्लोरीन परसेंटेज इनटू डीडीटी है ना, तो वेट ऑफ क्लोरीन एटम यस और नो है ना? फिर क्या आएगा, वेट ऑफ क्लोरीन एटम उसके बाद डिवाइडेड बाय वेट ऑफ क्लोरीन एटम, और उसके बाद नीचे क्या आएगा बताओ? वेट ऑफ डीडीटी। वेट ऑफ डीडीटी। यस, वेट ऑफ डीडीटी। आगे पूरी बात समझ में? सर ऊपर सभी पांचों पांच क्लोरीन के होगा ना? हाँ सभी क्लोरीन। अरे भाई ठंड लग गई क्या, चलना भाई तू। डीडीटी इनटू 100%। नाउ इज इट क्लियर? यस और नो? चलो तो ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके फिर ये पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी क्लोरीन एटम्स आर प्रेजेंट इनटू डीडीटी, हाउ मेनी प्राइमरी क्लोरीन्स आर प्रेजेंट, हाउ मेनी सेकेंडरी क्लोरीन्स आर प्रेजेंट, मतलब कुछ भी घुमा फिरा के पूछ सकते हैं। लेकिन आपको उसके लिए क्या आना चाहिए, आपको उसके लिए क्या आना चाहिए बच्चों, स्ट्रक्चर। और डीडीटी सभी टीचर्स का फेवरेट स्ट्रक्चर रहता है और इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं वो लोग, समझे बात? यहाँ पे प्राइमरी और सेकेंडरी, तो ये सभी क्लोरीन कैसे हो गए प्राइमरी क्लोरीन है ये, है ना? ये तीन प्राइमरी क्लोरीन है और ये दोनों कैसे है बताओ? सेकेंडरी है। सेकेंडरी। तो ऐसा भी पूछ लेते हैं। अब आप लोग करके जाते हो बड़ी बड़ी मतलब प्रिपरेशंस, वो लोग पूछ देते हैं छोटा सा। मैंने कंपेयर टू, मैं आपको बताऊं तो 2020 के पेपर, जेई 2020 के पेपर वाज अ वेरी इजी कंपेयर टू 2012 14 15 16 हमारे टाइम पे जो होते थे पेपर, उससे ज्यादा सही में बहुत सही इजी थे, समझे बात? ओके सो हियर वी हैव कंप्लीटेड आवर 10th चैप्टर। आपको एक्सरसाइज करनी होगी, क्वेश्चन एक्सरसाइज में से ही आएंगे और उसी के ऊपर से आते हैं। एक और क्वेश्चन जो हमने 11th में पढ़ा था, जो हाइड्राइड शिफ्ट और मिथाइल शिफ्ट होता है, वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ एक बार। अगर कुछ इस तरह से ब्रोमीन है और अगर यहां से क्या होगा बताओ, CH3 चलो एक और कार्बन बढ़ा देता हूं मैं यहाँ पे, CH2NBr है, नहीं यार एक ही रखता हूं, फिर काम का आपका टेंशन बढ़ जाएगा आपका। आया ना? चलो अगर यहां से ब्रोमीन को हटा दिया Br- के तौर पे, तब क्या होगा आप बताओ? अगर यहाँ पे OH लाना है तो कार्बोकेटाइन की रीशफलिंग कैसे होगी, कोई बता पाएगा मुझे? ये CH2+ है, दूसरे वाले कार्बन का हाइड्रोजन लास्ट वाले कार्बन के साथ अटैच हो जाएगा। ओके और प्लस Br- माइनस नहीं, चार्ज आ गया। शिफ्ट शिफ्ट कौन सी बोलते हैं उसको, हाइड्राइड शिफ्ट होगी कि मिथाइल शिफ्ट होगी? 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट। ओके तू मुझे बताओ पहले कौन सी शिफ्ट होती है, हाइड्राइड शिफ्ट होती है कि मिथाइल शिफ्ट होती है? माइग्रेटन कौन अच्छा है?
मिथाइल फिर यहाँ पे ये क्यों होगा, हाइड्रेट क्यों शिफ्ट होगा? चलो प्रियांश आंसर दो सर, वो 3 डिग्री हो जाएगा। यस, ये जब यहाँ से निकलेगा तो यहाँ पे 3 डिग्री हो जाएगा। आप सोचो कि अगर मैं यहाँ पे कुछ ऐसी रीअरेंजमेंट करवा दूं, तो आपको पॉसिबली रीअरेंजमेंट देखनी है कि क्या आपका रीअरेंजमेंट में ये ध्यान रखना होता है कि बैक बॉन्डिंग बने तो सबसे अच्छी बैक बॉन्डिंग वाला स्टेबल होता है। ओके, अगर बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है तो एरोमेटिसिटी आ रही है तब आप एरोमेटिसिटी पे भी आगे बढ़ सकते हो, अगर वो भी नहीं हो रहा है तब क्या होगा, टर्शियरी, फिर किसका कौन ज्यादा स्टेबल होगा, सेकेंडरी, लास्ट में कौन होगा बताओ, प्राइमरी। यस और नो? तो इस पॉइंट आउट पे शिफ्ट होती है, यस और नो? है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमें मिल जाएगा प्लस चार्ज इस कार्बन पे आ जाएगा और यहाँ पे CH3, ये वाला पॉइंट याद रखना, हर बार शिफ्ट को आपको कंसीडर करना है। 11th का एक बार देखो अच्छे से पॉइंट आउट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन एंड रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, वो चीज आपको याद रखनी पड़ेगी। अगर टाइम रहा रिवीजन में मुझे बोलना, मैं अच्छे से करवा दूंगा, डोंट वरी। ये CH3 क्या हो गया, प्लस आ गया। ओके, फिर यहाँ पे आपका जो भी ग्रुप है वो जुड़ेगा, ये चीज आप याद रखना। चलो फिर अगर OH जोड़ना, अगर इसके साथ OH आप लगा रहे थे तब OH यहाँ पे आके इसके साथ OH जुड़ जाएगा, तब भले ही BR ऐसा था आपकी मेन प्रोडक्ट तो यही मिलेगी फिर। ओके, ये वाली बात बनती है। चलो, इज इट क्लियर? यस सर। चलो और बताओ, आगे कोई डाउट हो तो। ओके, चलो नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो कैसा होता है दिखते हैं। एक सेकेंड ना बच्चों, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमने हमारा ये जो चैप्टर है वो क्या किया, कंप्लीट किया, यस और नो? यस और नो? यस। ओके, तो इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है यू कैन आस्क इट टू मी इन द नेक्स्ट लेक्चर, अगर कोई भी डाउट है कहीं पे भी यू शुड आस्क इट। ओके,